हेलो गाइस, तो क्या हाल है। बोल भाई फूडी लेकर आ गया बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग। सोया चाप यहाँ दिल्ली में बहुत फेमस है, तो मैं आ चुका हूँ दिल्ली की सोया चाप की फैक्ट्री में, जहाँ बहुत ही हाइजीनिक सोया चाप बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कंटेनर में सोया चाप के सीड्स ले लिए गए हैं, और अब आप जो देख रहे हो ये मशीन में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई मोटर नहीं। इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि जो अच्छे दाने जो होते हैं वो एक तरफ पर जमा हो जाता है, और जो ख़राब दाना होता है वो निकाल लिया जाता है। अब सेकेंड प्रोसेस ये है कि फिल्टर किए हुए दाने को इसको पीसा जाए आटे के फॉर्म में। तो आप देख सकते हो कि बड़े सारे ड्रम के अंदर में जो है सोयाबीन को पीसा जा रहा है, और बहुत ही महीन तरीका से जो आटा पीस के आया है। अब ये गाइस है मिक्सर, इस मिक्सर के अंदर में जो है सोयाबीन का आटा, नमक और मैदा को जो है मिलाया जाएगा। बहुत सारी जगहों पे मैदा ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा है, मैदा कम है, क्योंकि मैदा भी हमें चाहिए बाइंडिंग के लिए। और अब ये मिक्सर हमारा तैयार हो रहा है। नीचे वाले ड्रम में आप देख सकते हो इस आटा को कलेक्ट कर लिया गया है। ये वाले मशीन में जो है छाननी लगी हुई है, फिल्टर लगे हुए हैं। इस आटा को फिर से फिल्टर किया जाएगा, एकदम महीन फॉर्म में इस आटा को लेके आया जाएगा। और अब जो हमारा प्रोसेस है वो आ जाता है आटा मेकर के ऊपर में। तो गाइस ये आटा मेकर है, यहाँ पे जो है आटा को अच्छे से गूंदा जाएगा। तो आप देख सकते हो जो ड्रम पे ड्रम है इसके अंदर में डाला जा रहा है, और इसे पीसा जाएगा। पानी भी जो है आरओ का पानी यहाँ पे यूज़ होता है। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और हमारा जो प्रोसेस है बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, तो वीडियो स्किप मत करना। अब इस आटा को जो है ले जाया जाएगा प्लेटफॉर्म के ऊपर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी टीम है, लेडीज़ की पूरी टीम है। यहाँ पे जो है ये आटा को स्टिक के ऊपर में रोल किया जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो स्टिक के ऊपर में जो है आटा को रोल किया जा रहा है, और हमारा ये सोया स्टिक जो है तैयार हो रहा है। अभी भी इसकी प्रोसेस बाकी है। यहाँ पे जो है दीदी लोग स्टिक को लेके इसके ऊपर में सोया के आटा को रोल करते हैं। रोल करने के बाद जो है ये ट्रे के अंदर में सजाते जाएंगे, और इस ट्रे को जो है बाद में क्या कलेक्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म पे स्टिक बनाया जा रहा है। अब इस ट्रे को जो है कलेक्ट किया जाएगा और इस प्लेटफॉर्म पे डाला जाएगा, और अब हमारा जो प्रोसेस है इस स्टिक को सब इस गर्म पानी में उबाला जाएगा। गाइस तो देख सकते हो करीबन 100 किलो सोया स्टिक यहाँ पे रोज उबाला जाता है, रोज बनाया जाता है। अब 10 मिनट तक जो इसे उबालेंगे अच्छे से, और उसके बाद अब छाननी की सहायता से सोया स्टिक को यहाँ ठंडे पानी में निकाल दिया जाएगा। ठंडे पानी के अंदर में इसे जो है शावर कराया जाएगा, ताकि जो हमारा सोया स्टिक है थोड़ा सॉलिड हो जाए। और ये जो प्लेटफॉर्म है नीचे में यहाँ पे छेद हुए हुए हैं, तो कि पानी उनका पूरा सोख हो जाए और हमारा सोया स्टिक तैयार हो जाए। और अब काम आ जाता है पैकिंग यूनिट का। गाइस आप देख सकते हो बल्क में कितनी पैकिंग हो रही है, यहाँ पे पूरी पैकिंग यूनिट है। मास्क इन्होंने पहना है, हेयर मास्क पहना है, ग्लव्स है, तो बहुत ही हाइजीनिकली ये लोग जो है सोया स्टिक्स पैक करते हैं। एक पैकेट में करीबन 500 ग्राम सोया स्टिक यहाँ पे आता है, और ऑटोमेटिक रोलर है सील करने के लिए। आप देख सकते हो क्या कोऑर्डिनेशन है, ऊपर में दीदी लोग सील कर रही है, और नीचे में क्रेट्स के अंदर में सोया स्टिक को रखा जा रहा है। अभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जो है क्रेट्स को लेके जाया जाएगा कोल्ड चेंबर में, तो -40 डिग्री सेल्सियस, गाइस इतनी ठंड। तो यहाँ पे जो है इसे 12 घंटा तक रखा जाएगा, और फिर